वहीं अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, अब देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम 4:30 बजे अमेरिका में मतदान शुरू होगा, जो कल सुबह तक चलेगा। मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अमेरिकी चुनाव पर काम करने वाली विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने दावा किया है कि इस कमला हैरिस और ट्रंप में कांटे की टक्कर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को लेकर रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन के अध्यक्ष शलभ कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। अगर देखा जाए 2016 को और कंपेयर किया जाए 2016 से, उसी वहां पे उस दिन जो भी इलेक्शन डे था, उसकी मॉर्निंग पर हिलरी क्लिंटन 5 to 6 points इन पोल्स वाज अहेड, प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए थे। तो इस बार जो है वो नेक टू नेक है, 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में नेक टू नेक है। तो उससे अगर एनालिसिस किया जाए तो लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीतेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वोट होगी हिंदू एंड इंडियन अमेरिकन वोट्स, अबाउट 1.4 मिलियन इन द बैटल ग्राउंड स्टेट्स, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द इलेक्शन। यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम जो है, टोटल वोट्स जो हो जाते हैं 160 मिलियन, लेकिन ये फाइनल डिसीजन जो होता है वो बहुत कम वोट्स है। 85,000 वोट्स मेड द डिफरेंस इन 85,000, दैट्स ऑल इन द अपर मिडल मिडवेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट मेड ऑल द डिफरेंस इन 2016। सो जो ये हिंदू और इंडियन अमेरिकन वोट्स जो हैं, वो पोलिंग में अभी तक काउंट नहीं होते, तो इसलिए ये जो इलेक्शन डिसीजन होगा ये हिंदू एंड अमेरिकन वोट से ही, दैट विल बी द फाइनल ब्लॉक ऑफ वोट। और इधर तमिलनाडु में अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के पैतृक गांव तिरुवूर में उनके पारिवारिक मंदिर कहलाए जाने वाले श्री धर्म सष्टा श्री सेवक पेरुमल मंदिर में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा और हवन कराया गया। उनके गांव वाले भी कमला हैरिस की जीत की ही कामना कर रहे हैं। कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए और पूजा करते हुए उनके पैतृक गांव के लोग आज नजर आए। खास हवन का इंतजाम किया गया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अहम उम्मीदवार हैं, जिनके लिए आज खास पूजा की गई। कमला हैरिस का, उसका फादर इन ला, नहीं फादर नहीं, उसका एंसेस्टर्स यहाँ रहता था, पीवी गोपालन, उनका डॉटर है श्यामला, उनका हस्बैंड है हैरिस है, वो लोग ये शीज वो तो कैंसर का स्पेशलिस्ट है, इसे वो तो यूएस गया जाके वो फायदा हुआ उसका। कमला, ये कमला हैरिस का 4 साल के पहले भी हम लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, आप लोग, हम उसी इंटरव्यू में मैं भी बोला था ये नेक्स्ट
वो तो बिकम बन जाएगा, ऐसा सोच के हम बोला था, वो अभी रियलिटी में हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि हमको भी कुछ खबर आ रहा, ये अभी जितना पोल हुआ उसमें शी हैविंग एज ऐसा बोल रहा है, सो अभी जॉर्जियो में हो रहा है फाइनल पोल आज, वो में भी जीत जाएगा लग रहा है, इसलिए हम लोग पूजा भी रोज पूजा कर रहा है, सिंस वो उसका ये नोटिफिकेशन कंटेस्ट किया ना उसी दिन से इधर स्पेशल पूजा भी चल रहा है, ये आने से हम भारत के लिए बहुत सुविधा है, इंडो यूएस रिलेशन बहुत उड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसलिए हम लोग खुश है, हम पूरा भारत खुश होना चाहिए। देखिए चुनावी मौसम में नेता घर घर जाकर वोट जरूर मांगते हैं। आपको अमेरिका की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। कमला हैरिस खुद चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरी हैं। वो घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में चुनाव टक्कर का है। जहां ट्रंप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस भी पीछे नहीं है। कमला हैरिस ने अपने चुनावी अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लगातार वोट की अपील के लिए लोगों के बीच पहुंचती रही हैं। वो न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में भी गई जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनके साथ कुछ समय बिताया। लगातार चुनावी दौड़ में शामिल कमला हैरिस अपने सहयोगियों से मिलती रही और अपने प्रशंसकों से भी लगातार मिलती रही है। ये तस्वीरें उनके एक रेस्टोरेंट विजिट की है जहां पर वो लोगों से मुखातिब हुई और लोगों से बातचीत की और चुनाव से पहले लोगों से अपील की कि उन्हें ही चुनाव दिया जाए।